अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज का प्रोग्राम फिर शुरू करें। बिस्मिल्लाह। कुछ थोड़ा सा जो बातचीत प्रोग्राम है इसके मुतालिक बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ नाम भेज रहे हैं, तो नहीं मैंने देखे हैं सारे नाम अजीब गरीब नाम आ रहे हैं और बाज़ पे तो हंसी भी आती है और बाज़ यानी बड़े भेजते तो बड़े मोहब्बत और इखलास से हैं, खूब खूब सोचती हैं, लेकिन ये जो नाम इकट्ठे हो जाएं तो इनको बेशक एक दफ़ा छाप देना उनको। ये भी एक दिलचस्प किस्सा है कि लोगों के जहन में नाम क्या क्या आते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा डलहौजी में जो हज़रत मुस्लिम अउद ने अपना ज़ाती घर पहला बनवाया वहाँ, तो ये बहस थी कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो बहुत बच्चों ने सोची बातें, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, तो कभी हंस पड़ते थे कभी कहते नहीं कुछ और सोचो। तो एक हमारे एक भाई ने, अब उनका नाम नहीं बताता वो कहीं महसूस ना करें, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं भी नाम बताना चाहता हूँ। तो बताया, पूछो बताओ तुम बताओ क्या नाम है, कि जी हब्बे अठरा। उन दोनों अखबारों में इश्तहार आया करते थे किसी के बच्चे ज़ाया हो जाते थे तो उसके लिए दवा थी हब्बे अठरा। यार बहन बहुत हंसे गए, खूब सूझी है तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि क्या कह रहे हो। कहते हैं एक लिहाज से मौजूम भी है, क्योंकि पहले जितनी कोठियों के प्रोग्राम बनते थे सारे ज़ाया हो जाते थे। ये पहली है जो ठहरी है। तो इस किस्म के नाम भी आ रहे हैं, मगर बहरहाल मेरा ख्याल बातचीत ही ठीक है। सीधा बेतकल्लुफ़ नाम जो मेरे जहन में आया था वो यही था और बेहतर यही रहेगा कि यही जारी रहे। हाँ मिला दें, फ़ोन आया अभी उनका। अच्छा उठा लूँ इस पर। वो जो हमारा बॉस्नियन की मदद के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी ट्रक गए हुए हैं, उनके एक निगरान एक हिस्से के वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सफदरी जी बोल रहे हो? सफदरी जी बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है अब तक की? हम इस वक्त ज़ग्रेब में आए हुए हैं जी, और ये हमारा दूसरा ट्रिप है। अच्छा। और हम अल्लाह की फजल से आज हम चार ट्रक लेकर आए हैं जी, और हम दो दिन पहले हम पांच ट्रक लेकर आए थे जी। पांच लोगों से पहले रिपोर्ट में दाखिल हो गया ना जी हजूर। तो अब चार मरीज ले आए हैं आप जी हजूर, माशाल्लाह। और स्टॉक कहाँ रखा हुआ था? म्यूनिख में जी हजूर, हमने सारा स्टॉक म्यूनिख में रखा हुआ था जी। और जो इंग्लैंड से लाए थे वो तो पहले ट्रिप में हमने डायरेक्ट उसी में ले गए थे। ठीक है जी। तो अच्छा डिलीवर हो गया सामान? सारा डिलीवर हो गया। इस वक्त हम उस वेयर हाउस से बोल रहे हैं आपसे जो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अब इसकी तकसीम का क्या होगा? तकसीम का हमने बात की है, तो यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें कह रही थी जी कि 15 तारीख को गालिबन ये इतवार है ना जी, जी जी उस दिन ये कोशिश कर रहे हैं कोई 100 ट्रक का कॉन्वॉय जाएगा बॉस्निया। ठीक है। तो वो वेरियस प्लेसेस में ना उसी में ये दाखिल कर देंगे जी। जी ये तो बहुत अच्छी बात है जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुबारक करे। बच्चे थक तो नहीं गए? ठीक ठाक हैं सब? हजूर सब लोग बहुत थके हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से वो बड़ी बहादुरी से खुश हैं, बहुत खुश हैं। पिछले 3-4 दिनों में मेरा ख्याल है कि हमने टोटल 3-4 घंटे नींद की होगी, टोटल 1 घंटा फी दिन। फी दिन और मेरा ख्याल कुछ ज्यादा होगी इससे, कुछ हो गया, लेकिन कल रात को थोड़ी सी हमने नींद ना थोड़ी ज्यादा की थी। अच्छा कितनी? कल ऐसे हुआ था कि हम कल कुछ लेट पहुंचे थे एक बॉर्डर के ऊपर जी, तो उस वहाँ कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो जो कस्टम ऑफिस होता है वो बंद हो गया था। अच्छा। तो वो कस्टम सेंटर, तो आपने कहा चलो सो ही जाते हैं जी, तो उसकी वजह से हमें ना रात को हम लोग सारे ट्रक में सोए थे। अच्छा, अल्लाह ने अच्छा इंतजाम कर दिया फिर तो जी। जी हाँ। तो आज रात का ये प्रोग्राम है कि यहाँ से फारग होकर हम हंगरी जा रहे हैं। अच्छा जी जी सर, सदर साहब से हम मुलाकात। ठीक है इंशाल्लाह। वहाँ अभी बहुत जरूरत है हमदर्दी की खसूसियत के साथ, और बाकी भी जो उनकी मुस्तकिल जरूरतें वो देख के आए जी हजूर। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि आज हम बॉस्नियन एम्बेसी में भी गए थे। ठीक है। उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने हमें बुलाया था जी, तो उनसे भी बड़ी अच्छी मुख्तसर सी मीटिंग हमारी। ठीक है। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो आपको हम बताएंगे। हाँ वो आप वापस आएंगे तो बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज़ साहब, तुम मेरे से सलाम कह दें, जज़ाकअल्लाह कह दें, खैर हाफिज़ से अल्लाह की हिफाजत में वापस आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खुदा हाफिज़।
طور سے چند سوالات جی جی حضور کی خدمت میں میں نے پیش کیے تھے. ایک سوال رہ گیا ان کا. ٹھیک ہے فرمائیے. وہ کہتی تھیں کہ ایک بات جو میرا بیٹا کہتا ہے اور میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا مذہب کے بارے میں سوال کرنا غلط ہے؟ اگر ذہن میں سوال اٹھے تو کیا انسان دنیا کے ڈر سے باہر نہ نکالے؟ دنیا کے ڈر سے سوال کہاں نکالنا ہے؟ تو بحث سوال تو پہلے یہ اٹھے گا کہ دنیا کے ڈر سے کیا مراد ہے. غالباً گھر والے مراد ہیں ان کی. انہوں نے تھوڑی سی حضور اس میں وضاحت یہ کی ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جس کا مذہب سے تعلق ہو تو آپ جذباتی ہو جاتی ہیں اور ڈسکرج کرتی ہیں. میں سمجھتا ہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہی مراد ہوگی. دنیا سے ان کی دنیا تو ماں ہی ہے نا, کہ وہ ماں کے ڈر سے ہم بات نہ کریں. سوال یہ ہے کہ صداقت کے اوپر جو چیز بھی مبنی ہو اس میں سوائے خدا کے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے, اور صداقت سے کے معاملے میں خدا سے بھی خوف نہیں, کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ صداقت کی بات کرو. تو صداقت بے خوف چیز ہے. دنیا سے ڈرنا صداقت کے معاملے میں تو غلط بات ہے, لیکن بعض لوگ صداقت کے بہانے بد اخلاقیاں کرتے ہیں اور جی ہم تو سچی بات کریں گے, منہ پہ ماریں گے چاہے کڑوی لگے. یہ جو انداز ہے یہ بےہودہ ہے, یہ بد اخلاقی ہے, لیکن صداقت میں کوئی بےہودگی نہیں. صداقت اچھے طریقے سے بھی بیان ہو سکتی ہے, بادب طریقے سے بھی بیان ہو سکتی ہے. سوالات کے متعلق ان کے بچے کو میرا پہلا مشورہ تو یہی ہے کہ جو بھی سوال اٹھیں اپنے لیے اللہ سے دعا کر لیا کریں کہ خدا خود آپ کو سمجھا دے, اور پھر دعا کے بعد اگر آپ سوال پوچھیں گے تو اس سوال کے انداز میں بھی شرافت پیدا ہو چکی ہوگی, کیونکہ جو دعا کرنے والا ہے وہ پھر بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا. اور جہاں تک یہ کہنا کہ مذہبی سوال کیوں کرتے ہو, میں تمہیں دبا دوں گی, یا جو بھی انہوں نے رویہ اختیار کیا اللہ بہتر جانتے. ویسے تو بہت بااخلاق سوجی خاتون ہیں, میں ان کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا, لیکن ان کو بعض دوست واقف جو جانتے ہیں وہ بہت ان کی تہذیب اور اخلاق کے متعلق اچھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ میرا تو نہیں خیال کہ وہ یہ کہتی ہوں گی کہ خبردار جو بات کی, مگر اپنے منہ سے اقرار یہی کر رہی ہیں, تو اس لیے وہ بجائے اس کے خبردار جو یہ بات کی یہ کہنا چاہیے کہ تم بتاؤ, اگر مجھے سمجھ آ گئی تو میں تمہیں سمجھاؤں گی, اگر نہ سمجھ آئی تو اور کسی سے پوچھ کے بتاؤں گی, اور اس عرصے میں تم بھی غور کرو. تو اس طریق پر کسی خوف کا سوال ہی باقی نہیں رہتا. یہ ربوا سے ایک بچی نے سوال بھیجا ہے, کہتی ہیں کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ دنیا کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک کی شہریت لے لیتے ہیں تو ان کی اپنے وطن کی شہریت تو ختم ہو جاتی ہے, کیا ایسے لوگوں کا عمل درست ہوتا ہے؟ کس وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے. جی نہیں, اس کی وضاحت نہیں. اس کی وضاحت تو اسی میں موجود ہے, جب اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے, تو جو بھی کسی کا وطن ہو اس کی محبت اس پر فرض ہو جائے گی. بس وہ لوگ جو کسی غرض سے کسی ضرورت سے باہر جاتے ہیں اور قرآن کریم اس کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ اس بارے میں حوصلہ بڑھاتا ہے, سیرو فلارس, اور پھر ہجرت کر کے خدا تعالیٰ تمہیں وسعت عطا فرمائے گا, یہ دونوں مضامین اپنے اپنے موقع پر بالکل درست ثابت ہوتے ہیں. بس نہ صرف یہ کہ منع نہیں بلکہ قرآن کریم چاہتا ہے کہ مسلمان دنیا میں پھیل جائیں, اور اگر کسی اور ملک کو اپنا ملک بنا لیا جائے تو پھر وہ آپ کا وطن ہے, پھر اس سے محبت کرنی چاہیے. محبت میں اسلام ایک پابندی لگاتا ہے کہ جو اعلیٰ دینی تقاضے ہیں ان کو نظر انداز کر کے کوئی محبت نہیں ہوگی, کیونکہ الحب فی اللہ ہے. وہ محبت جو اللہ کی محبت سے ٹکراتی نہیں وہ جائز ہے, اور جس حد تک وہ نہیں ٹکراتی اس حد تک کوئی نقصان نہیں ہے, خواہ اس وطن کا کوئی نام بھی ہو. لیکن اگر وہ بنیادی اخلاقی تقاضوں سے جو خدا تعالیٰ نے سکھائے ہیں ٹکرانے لگے تو پھر وہ ایک اور مضمون شروع ہو جاتا ہے, وہاں فائق حق جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. یہ بھی ربوا سے ایک دوست کا سوال ہے, کہتے ہیں کہ خواتین کے ایک پروگرام میں پردہ کا معیار جماعت احمدیہ کی شان کے کچھ منافی معلوم ہوا تھا,
तो इस बारे में भी हुजूर कुछ नसीहत फरमाएं कोई रहनुमाई। जमात अहमदिया का मेयार तो मैंने तय करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि मैंने भी क्या तय करना है, कुरान करीम ने तय किया हुआ है, मैं उसके मुतलिक रोशनी डाल चुका हूँ बारहा। तो आपके अपने ज़ौक के ख़िलाफ़ हो सकता हो, लेकिन जहाँ आप ये कहते हैं जमात के वक़ार के मुनाफी है, तो ये कोई मुहावरा काबिल कबूल नहीं है। आप ये बताएं गैर इस्लामी बात क्या थी, क्या उस पर्दे में बेहयाई का उनसर शामिल था, क्या उससे ये मालूम होता था कि दावत नज़ारा दी जा रही है, या ये असर पड़ता था कि शरीफ सूझी हुई औरतें हैं और कहीं निकाब ढीला भी हो जाता है, और ज़रूरी भी नहीं कि वही निकाब हो जो पाकिस्तान में राइज है, जब तक ये साबित ना हो कि यही निकाब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पहना जाता था। तो अपने तासुबात को इस्लाम का नाम देना बिल्कुल जायज़ नहीं है। दूसरे, एक छोटे से मुल्क में रहकर सारी दुनिया को उस मेयार पर नापना, ये वैसे ही ख़िलाफ़ अक़ल बात है। एक पर्दा जो जिसको वाज़ह तौर पर इस्लाम ने मुय्यन ना किया हो, अगर आप उसको सारी दुनिया पर ठोंसने की कोशिश करेंगे तो इस्लाम से दुश्मनी करेंगे। बुनियादी रूह जो पर्दे की है उसको पेश नज़र रखें। अगर बाहर की कौमें जिनको पर्दे का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बल्कि बेहयाई आम होती चली जा रही है, वो एक कदम भी जब बेहयाई से रुक कर हया की तरफ उठाती हैं वो औरतें, तो इस्लाम की तरफ में दाखिल हो रही हैं। उन दाखिल होने वालियों का ये इस्तकबाल कि तुम्हारा पर्दा ठीक नहीं, तुम यूं कर रही हो वो कर रही हो, आप तो इस्लाम का कुछ भी बाकी नहीं रहने देंगे। और यही चीज़ें जब अपने मुल्क में आप देखते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, अपने देहात में क्यों जाके आपको तकलीफ़ नहीं होती। औरतें जो खेत में घूंघट लेकर या घूंघट ना लेकर भी चादर लेकर भी जाती हैं, आपने कभी तकलीफ़ नहीं महसूस की, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि इस्लामी पर्दा के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जो पर्दे का मेयार है जो करते हैं उनको भी आप जानते हैं, और उस पर एतराज़ नहीं। दरअसल आपकी मुराद है दिखावे से, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नीयत ज़रूरी यकीनन दिखावे की थी। एक सवाल करने वाले का अंदाज़ ऐसा हो सकता है जिसमें वो अपने आप अपनी सुबकी महसूस करता है कि अपने घर में माहौल और बनाया होगा, हो सकता है वहाँ बच्चियों पर ज़्यादा सख्ती होती हो, और फिर जब वो बेटियाँ उनकी ये देखेंगी प्रोग्राम तो कहेंगी देख लो अब वहाँ तो ये होता है। तो ये खौफ भी होते हैं, मुझे कई खत आते हैं, ये पहला खत नहीं है। देखने वाली बात बुनियादी तौर पर वही है कि आपको पर्दे की मोहब्बत है या अपनी अना की खातिर आप बात बातें सोचते हैं। सुबकी महसूस करते हैं तो क्यों महसूस करते हैं। मुझे एक दफ़ा पिंडी से भी अभी खत आया था एक खातून का, बड़ी मुखलिस और बहुत खिदमत करने वाली, आला ख़ानदान की हैं, लेकिन बड़ी सख्ती से तनकीद की हुई थी उस पर्दे पर जो यहाँ बच्चियों का पर्दा था, और उसमें यह था कि आपने तो हमें तो शर्मिंदा हो गए, हम अपनी गैर अहमदी दोस्तों को क्या मुंह दिखाएंगे, ये क्या पर्दा है। फिर मैंने बाकायदा तहकीक की, सबसे पता किया क्या हो रहा था, तो पता चला कि दो किस्म के पर्दे सामने आए थे। एक तो वो प्रोग्राम था जिसमें ख्वातीन ने खूब कस कस के निकाब यहाँ से बांधे हुए और आँखों के ऊपर ऐनकें चढ़ाई हुई, और बहुत शिद्दत के साथ वो पर्दा था, और उसके अंदर ही ये बातें भी हो रही थी कि जब हम पहले पहले आई थी तो यहाँ के लोग हमें डार्लिंग कहा करते थे वगैरह वगैरह, वो लतीफ़े के तौर पर बातें बयान हो रही थी। तो इजहार में पर्दा नहीं था, मगर जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है उसमें ऐसी उम्र में सख्ती थी जिस उम्र में कुरान करीम भी ढीला होने की इजाज़त दे देता है, और उसका जो असर पड़ रहा था वो है देखने वाली बात है। अमरे वाकया ये है कि मुदाहनत की खातिर हम अपने असूल नहीं बदल सकते, लेकिन वो असूल जो कुरान ने पेश किए हैं, जो सुन्नत से साबित हैं, वो तब्दील नहीं होंगे। लेकिन हमारे अपने कौमी तासुबात या कौमी अंदाज़ इस्लामी असूल के नाम पर
अगर दुनिया में पेश किए जाएंगे तो वो कबूल नहीं होंगे बल्कि रद्द किए जाएंगे। बस बाहर की सब दुनिया के लिए अहमदियत है, इस्लाम सारे जहान के लिए है। मुख्तलिफ किस्म के इस्लामी माशरे हैं, इंडोनेशिया का पर्दा ख़ास किस्म का है, बहुत खुला खुला सा। वो जो पर्दा करती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो नहीं करती वो तो बहुत कसरत से हैं। अरबों के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ पर्दे राइज हैं। मोरक्को में जो देहाती इलाके हैं वहाँ का पर्दा ऐसा है जैसे बिल्कुल तंबू के अंदर बंद हो जाए कोई, और उनके जो बुरखों में मुखैद औरतों की तस्वीर यहाँ यूरोप में दिखाई जाती है। नतीजतन लोग इस्लाम से मुतनफ़र होते हैं, मोरक्को से नहीं होते या अल्जीरिया या टूनिशिया से नहीं होते। वो कहते हैं ये है देख लो, इस्लाम चाहता है कि औरत इस तरह घूरे में बंद हो जाए और खेमे बंद कर सारी दुनिया में फिरे। वो जो तवज्जो हटाने के लिए एक ज़रिया अख्तियार किया गया था वो तवज्जो गैर मामूली तौर पर खींचने का ज़रिया बन गया है। ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी जीनत ज़ाहिर न करो, ये तो नहीं फरमाया कि बदज़ेब और बदसूरत बन के फिरो। ये दो चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस पर्दे की रूह को छोड़कर ऐसी बातों में पड़ जाना, दर हकीकत अगर आप अपने दिल को टटोल के देखेंगे तो आपको अंदर अपनी कोई अना कुचली हुई दिखाई देगी, अपने कुछ तसव्वुर ज़ख्मी दिखाई देंगे। इस्लाम की मोहब्बत अगर हो तो पाकिस्तान में क्यों रद्द अमल नहीं होता? वहाँ जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के पर्दे राय देखती हैं वहाँ क्यों नहीं बोलती? जिस जगह से कहा जा रहा है वहाँ की मुझे इतलाएँ मिलती रहती हैं किस किस्म का पर्दा वहाँ चल रहा है। पर्दा हर किस्म का इस दुनिया में राइज होगा, कोई दुनिया की ताकत उसको एक किस्म में तब्दील नहीं कर सकती। अगर आपका ये ख्याल भूल जाए इस बात को, लेकिन एक इस पर्दा है जो सारी दुनिया में राइज हो सकता है और जमात लाजिमन वफा के साथ उसको राइज करने की कोशिश करती रहेगी, और वह है हया, इस्लामी अकदार को अपनाना, औरत का इस तरह संभल के बाहर निकलना कि कोई नज़र, कोई बीमार नज़र भी उससे हौसला ना पाए। और ये रूह जो है ये बाज़ दफ़ा पूरे बुरके में भी पेश नज़र नहीं रखी जाती। ऐसे ऐसे फैशन बुरकों के बनते हैं कि बदन के ऊंच नीच सब उसमें ज़ाहिर करने की बिल इरादा कोशिश की जाती है। और वो बच्चियाँ कोई दूसरा बुरका थैला पहने तो उनको कोफ्त होती है, शर्म आती है, हालांकि पता ही नहीं कौन उसके अंदर फेर रहा है, मगर वो ख़ास अंदाज के मुख्तलिफ रंगों के ख़ास काट के ये बीच फैशन चले हुए हैं। तो इंसान की नीयत उसको ज़रूर बता देती है कि तुम्हारी नीयत है क्या। पर्दे के ख़िलाफ़ एक ये रद्द अमल इन बच्चों के दिल में पैदा होता है कि लोग हमें यह ना समझें कि हम कोई खुदामत परस्त चीज़ हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं। हम बुरका तो पहनती हैं मजबूरन, लेकिन देखो हमारी काट कैसी है और बिल्कुल जदीद तरीक पर पहन रही हैं। तो वो जो बोझ है तालीम पर अमल करने का, उसका थोड़ा सा बदला उस तालीम को बिगाड़ कर उसकी शक्ल में तब्दीली पैदा करके उतार लेती हैं। ये सारी बातें ज़ाहिर की बातें हैं। मैं फिर आपको बताता हूँ कि मैं जानता हूँ यूरोप में मुख्तलिफ जगह पर जो ख्वातीन इस्लाम कबूल कर रही हैं उनके अंदर एक नुमाया पाक तब्दीली है। उनके सामने अगर आप इस्लामी माशरे के तौर पर पाकिस्तानी माशरा पेश करेंगी और उनके ऊपर वैसी पाबंदियाँ दाखिल करेंगी जैसे बाज़ पसमानदा ममालिक में उनका अपना तसव्वुर इस्लाम के नाम पर औरतों के लिए जंजीरें बन गया है, तो फिर इस्लाम को फैलाने के लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और हम तो कल की बजाय आज फतह चाहते हैं। तो वही बात मैं फिर दोहराता हूँ, इस्लाम के असूलों पर कोई सुलह नहीं किसी से हो सकती, लेकिन इस्लाम ने जो लोच रखी है, जो हिकमतें बयान की हैं, जो मुख्तलिफ हालात के पेश नज़र पर्दे की मुख्तलिफ शक्लें बयान फरमाई हैं, हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के लिए और पर्दा मुकर्रर फरमाया है, खुलकर बताया गया है, वो घर के मुलाजिम जिनसे किसी बेहयाई का ख़तरा नहीं उनके लिए और पर्दा बताया गया है, वो ख़वातीन जो एक ख़ास उम्र को पहुंच चुकी हैं
जहाँ बिलमूम बीमार नज़र भी किसी हिर्स के साथ नहीं पड़ सकती, उनका और पर्दा दिखाया गया है। बीमार मुआशरों का और पर्दा दिखाया गया है, बताया गया है कि ऐसे लोग फिरते हैं जिनके दिलों में मर्ज है। और इस लिहाज से बाज़ मुल्कों में पर्दा उन असूलों के ताबे कम ढीला हो सकता है और सख्त भी हो सकता है। अगर ऐसे मुल्क हैं जहाँ चेहरे पर नज़र पड़ते ही बेहयाई का तस्वीर है और लोग घूरे फिरते हैं, अमन नहीं देते किसी औरत बेचारी को, वहाँ पर्दे में निस्बतन ज़्यादा सख्ती ज़रूरी है। लेकिन जहाँ आदत पड़ी हुई है ऐसी नंग ऐसे नंग और बेहयाई की कि चेहरा कोई तहरीक ही पैदा नहीं करता, वहाँ चेहरा ज़रूर से ज़्यादा ढांपना इस्लाम से वफा नहीं है और ना इस्लामी पर्दे की रूह से वफा है, बल्कि बेवजह इस्लाम के एक ऐसे पहलू की तरफ मनफी तवज्जो खींचना है जो पहलू अपनी ज़ात में मनफी नहीं बल्कि हसीन और दिलकश पहलू है। बस इन सब बातों को देखा करें। और जिन बच्चों की बात कर रहे हैं ये कि जी पर्दा बड़ा ख़तरनाक और बड़ा काबिल शर्म था, मैंने वो देखा है, वाक़या यह है कि अच्छा भला यहाँ तक उन बच्चियों ने ढांपा हुआ था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब एक बच्ची की तरफ उस कैमरे का मुंह हुआ है तो वो गिर गया नकाब, उसने उसी वक्त उसको भी ठीक किया। अब ये जो बच्चियाँ जिन पर आपको एतराज़ हो रहा है, ऐसी बच्चियाँ कम होती हैं दुनिया में, अपने कॉलेजों में जाती हैं, अपने कामों पर जाती हैं और बड़ी जुर्रत से सर उठाकर इस्लाम के लिए गैरतें दिखाती हैं, अपने प्रोफेसरों से लड़ती हैं। कोई बेहयाई किसी किस्म की नहीं, कभी कोशिश नहीं हुई कि लोग हमें देखें और हमारी तरफ मायल हों। और जो वक्त मिलता है बाकी लोग बच्चियां जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हो तो नाकाबिल बयान है। ये कोई क्लब में नहीं जाती, घरों में नहीं बैठ रहती, मस्जिद पहुंच जाती हैं, वहाँ दिन रात खिदमतें कर रही हैं। बाद दफ़ा रात 11-11 बजे तक भाई बेचारे आके अपनी बहनों को लेने के लिए आए हुए होते हैं या बाप पहुँचे हुए होते हैं। ये सारा मंजर जो है ये आपने भुला दिया है। और इनके उस पर्दे को जो यहाँ के लिहाज से बड़ा सख्त पर्दा है, कॉलेज में भी उन पर एतराज़ होते हैं, यूनिवर्सिटियों में उन पर लोग हंसते हैं बाद दफ़ा क्योंकि परवाह नहीं करती, उन पर आप एतराज़ कर रही हैं। ये तो कोई वो इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, ये बस तसुबात हैं, मुल्की कौमी तसुबात हैं। और अहमदियत के लिए बड़ी ऐसी मुश्किलात हैं जिनका इसके बैन अल-अक़वामी होने से ताल्लुक़ है और हम सारे पहलुओं को देखकर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और किसी एक के अपने ज़ाती तसुबात या तंग नज़री को हम हरगिज़ इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं होने देंगे और किसी एक के खुले बेहयाई के ख्यालात को भी और उनके नाम पर वो जो आज़ादी तलब करता है या तसव्वुर रखता है हम इस्लाम में दखल देने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये तो पुल सिरात है जिस पर फूल फूक 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 कर कदम रख रहे हैं। जिन बच्चियों पर एतराज़ है मैं गवाही देता हूँ, मैं जानता हूँ बड़ी देर से बहुत सी हैं जो मेरे से ज़ेर तरबियत रिसर्च के काम कर रही हैं इस्लाम पर, ईसाइत के मुतल्लिक बड़ी गहरी रिसर्च कर रही हैं, बिल्कुल पाक बाज और साफ दिल और साफ बातिन और साफ गो बच्चियां हैं जो कभी भी दुनिया को अपनी तरफ खींचने के लिए सज धज कर नहीं निकली। तो इनको अपने एतराज़ का निशाना ना बनाएं, हौसला करें और वहां भी ऐसा पर्दा राज करें जो इस्लाम की पर्दे की रूह की ज़रूर हिफाजत करता हो, ज़ाहरी तौर पर किसी को कमज़ोरी दिखाई दे या ना दे। कटक इंडिया से ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब का ख़त है, उन्होंने एक सवाल पूछा है, कहते हैं कि हुजूर ने जो खुतबा में इरशाद फरमाया कि किसी को नेक ना कहो, तो क्या हम हुजूर को भी नेक ना कहें? इसके अलावा कई लोग हैं जिनको अरसा दराज से हम देख रहे हैं, उनको बार बार सच्ची ख्वाबें आती हैं, दुआएँ कबूल होती हैं, क्या उनको भी नेक ना कहें? वो ये बात समझे नहीं, मैंने कब कहा था कि किसी को नेक ना कहो? मैंने कहा कुरान करीम फरमाता है, अल्लाह फरमाता है वला तज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका, ये अल्लाह का हुक्म बताया था। और सवाल आप मुझ पर झाड़ रहे हैं, यानी मैं जानता हूँ लफ्ज़ झाड़ना ज़रा ज़्यादा सख्त हो गया है, मैंने बड़े अदब से सवाल किया है।
بات یہ ہے کہ اس کے فلسفے پر شاید میں نے پوری تفصیل سے روشنی نہ ڈالی ہو, اور مضمون چونکہ اور بھی بہت سے بیان کے لیے لائق ہوتے ہیں, اس لیے بعض دفعہ ایک آیت پر سرسری گفتگو سے انسان آگے گزر جاتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے بیان کرنے میں میرا ہی قصور ہو. بات یہ ہے کہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے, اور انسانی چہرے اور دل کے درمیان بہت پردے ہیں. اتنے پردے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو خود بھی اپنے دل کی سچی کیفیت دکھائی نہیں دیتی, سوائے اس کے کہ غور کرے اور ٹھہرے اور جسے خدا تعالیٰ بصیرت عطا کرے. بس جن آنکھوں کے اندھا ہونے کا قرآن میں ذکر ملتا ہے, وہ آنکھیں باہر ہی دیکھنے سے اندھی نہیں ہوتی بلکہ اندر دیکھنے سے بھی اندھی ہوتی ہیں, ان کی دونوں سمتیں اندھی ہوتی ہیں. اور یہ جو نظر کی کمزوری ہے, ضروری کہ اندھے پن تک ہی پہنچ جائے, بعض دفعہ اس سے ورے بہت سی منزلیں ہیں. اندھا ہونے اور بینا ہونے کے درمیان بے شمار منازل ہیں, اور جوں جوں انسان نابینائی کی طرف حرکت کرتا ہے نفسیاتی لحاظ سے, اس کو باہر کبھی کم دکھائی دیتا ہے, اندر کبھی کم دکھائی دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت گہرا نفسیاتی نقطہ بیان فرمایا ہے, اور انفسکم میں جمع کا صیغہ ہے, واحد کا نہیں ہے. اس میں واحد بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب قومی خطاب ہو, اجتماعی خطاب ہو, تو ہر شخص فی ذاتے ہی بھی مخاطب ہے, اور قوم اجتماعی طور پر بھی مخاطب ہوتی ہے. اس میں گہری حکمت ہے. اول یہ کہ اپنے آپ کو, یعنی انفسکم سے مراد کسی اور کو یہاں نہیں مراد ہوگی, اپنے آپ کو تم خام خانہ پاک ٹھہراتے پھرو, اور جو لوگ اپنے آپ کو پاک ٹھہراتے پھرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہی نہیں, کیونکہ اپنے آپ کو پاک ٹھہرانا ایک ایسا مزاج ہے جو دکھاوے کا مزاج ہے, اور یہ اس بات کی بنیادی تقویٰ کی کمی یا تقویٰ کے فقدان میں ہے. تو کیسی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, جس کی دلیل وہاں اس طرز بیان کے اندر شامل فرما دی کہ تم اپنے آپ کو اگر نیک ٹھہراؤ گے تو تمہیں شاید علم نہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تقویٰ کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ متقی ہے. اور پھر یہ فرما دیا کہ ہم تو تمہیں پیدائش سے پہلے سے جانتے ہیں, جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, اور ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا مزاج لے کے نکلے ہو. تو ان سب باتوں میں سب سے پہلے تو ہر انسان مخاطب ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنا کر دنیا کو نہ دکھایا کرو, جو ہو ویسے رہو, اور اپنی تعریفیں نہ کیا کرو, خدا کا خوف کرو. ہو سکتا ہے تم خود بھی دھوکے میں مبتلا ہو اور دنیا کو بھی دھوکے میں مبتلا کر دو. دوسرا پہلو ہے قومی طور پر یہ عادت بنا بیٹھنا کہ اپنے آدمیوں کو, اپنے تعلق والوں کو نیک بنا کر دکھانا, کسی کے بزرگی کے چرچے کرنا, کسی کے متعلق کہنا کہ فلاں تو بڑا بزرگ اور بڑا صاحب الہام انسان ہے. جب یہ قوموں میں روح پیدا ہوتی ہے تو تفرقہ ضرور پیدا ہوتا ہے, بت پرستی شروع ہو جاتی ہے, اور جگہ جگہ لوگ اپنے بزرگوں کے بت بنا کر ان کو ابھارتے ہیں, اور ہمیں تجربہ ہے کہ نظام جماعت کو اس سے شدید نقصان پہنچتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے نیک بیان کرنے کو تو منع فرمایا ہے, کسی کو نیک سمجھنے میں تو منع نہیں فرمایا. لا تزکو انفسکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تمہیں اندر نیکی ہے تو تمہیں شعور ہی نہیں ہونا چاہیے اس کا. یہ طرز بیان ایسی ہے کہ اس کو ظاہر نہ کیا کرو, اس کا پروپیگنڈا نہ کیا کرو, اس کا چرچا نہ کیا کرو. نیک ٹھہرانا مراد یہ ہے کہ پبلک میں لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ یہ نیک ہیں اور وہ نیک نہیں ہیں. اس قسم کے مضمون کو تزکو سے ادا فرمایا گیا ہے. تو کسی کو نیک دل سے سمجھنا یہ ایک طبیعی فطری بات ہے. خدا تعالیٰ یہ حکم کیسے دے سکتا ہے کہ تمہاری عقل, تمہارے روزمرہ کا تجربہ کسی کو نیک بتاتا ہو اور تم کو کہ نیک نہیں ہے؟ ایک بے اختیاری کی چیز ہے. میں نے شاید اسی خطبے میں یا دوسرے خطبے میں بڑی تفصیل سے مثال دی تھی
ये कादियान में अल्लाह ताला के पाक बंदे फिरते थे जो मसीह अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता थे, हम उन्हें बुजुर्ग समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को बुजुर्ग नहीं कहा। हम झुक कर उनसे मुसाफे करते थे, उन पर दिल फिदा होता था, उनको दुआओं के लिए कहते थे, मगर उनके आसार बताते थे कि वो इस बात से किसी गलत फहमी में मुबतला नहीं हो रहा है, बल्कि शर्मिंदा होते थे। बाज़ दो हाथ से किसी बुजुर्ग को मुसाफा करते थे, वो हाथ खींच लेता था, साफ पता लगता था कि उसके अंदर खजालत है। तो ये मुराद है ला तुज़क्कू अन्फुसकुम, अपने आप को खामखा बुजुर्ग ना बनाते फिरो, ना अपने माशरे में किसी को इस तरह उठाया करो, इससे कौम को नुकसान पहुंचेगा, और जिस कौम में ये रुझान पैदा हो जाए वहाँ झूठे बुत ज़रूर पैदा होने लग जाते हैं, और जिनको शौक हो उनकी तरफ ही लोग दौड़ते हैं, उनको उठाते हैं, फिर बाकायदा पार्टियाँ बन जाती हैं, अड्डे, ये फलां को बुज़ुर्ग समझने वाले लोग हैं, ये फलां को बुज़ुर्ग समझने वाले लोग हैं, उनका बुज़ुर्ग ज़्यादा सच्चा है, उनका बुज़ुर्ग कम सच्चा है, अजीब व गरीब बेहूदा हरकतें शुरू हो जाती हैं। ये रुझान ऐसा नहीं है जो सिर्फ 1400 साल पहले था और अब मिट गया है, अल्लाह फितरत की बात करता है और फितरत के दीन में कोई तब्दीली नहीं है। अल्लाह ने जो फितरत कायम फरमाई है वो आज भी वैसी है, यही वजह है कि हम यकीन रखते हैं कि कुरानी शरीयत कभी तब्दील नहीं होगी, ना ज़रूरत है, क्योंकि ये फितरत से ताल्लुक़ रखती है और फितरत के मुतलिक अल्लाह की गवाही है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं। बस आज भी यही होता है, जिस चीज़ पर खुदा की उस वक्त नज़र थी आज भी बैन ही उस पर सादिक आ रही है। बस हम अपने तजर्बे से आपको बताते हैं कि ये जो रुझानात हैं बुज़ुर्ग करार देना और बनाना, ये बड़े मोहलिक अंदाज हैं, इससे कौमें तबाह हो जाती हैं, इससे पीर परस्ती के गलत रुझान कायम हो जाते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम आपको बुज़ुर्ग कहें ना कहें, मुझे तो ज़र्रा भी फ़र्क नहीं पड़ता ना कहें, मुझे इसका कोई शौक़ नहीं, लेकिन मनसब खिलाफत के मकाम को पेश नज़र रखें, जो उसके तकाजे हैं उनको पूरा करें, बहुत काफ़ी है। लेकिन इससे आगे एक और मज़मून बढ़ेगा, उस पर भी मुझे रोशनी डालना लाजिम है। सबसे पहले यह सवाल उठता है, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तकी करार दें या ना दें। बात तो वहाँ से शुरू होगी, तो कुरान करीम में एक ही तो आयत नहीं जिसके ऊपर बात होती है, और भी आयतें हैं जो एक दूसरे के ऊपर रोशनी डालती हैं। इस आयत को ना भुलाएं कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के लायक है। और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतखाब फरमा कर खुदा ने गवाही दी है, लोगों ने नहीं आपको मुत्तकी बनाया, ना लोगों के कहने से कौड़ी का भी फ़र्क पड़ता था आपकी ज़ात पर, जिसको खुदा ने एक ऐसे मनसब पर कायम कर दिया जिस मनसब के लिए वो खुद तकवा पर नज़र रखता है, उसका लिहाज करता है, उसके बाद आप उसको कहें ना कहें क्या फ़र्क पड़ता है। तभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंकसार के इंतहाई मकाम पर फ़ाइज थे और इंकसार के इंतहाई मकाम पर आपका फ़ाइज होना इस बात का ज़ामिन था कि आप रफ़तों के भी इंतहाई मकाम पर फ़ाइज थे। इस इंकसार के बावजूद आपने बाज़ जगह अपने मनासिब बयान फरमाए, लेकिन साथ ये फरमाते रहे बार बार, वला फ़खरा वला फ़खरा वला फ़खरा। ये ना समझना मैं फ़ख्र से बात कर रहा हूँ, कोई बेवकूफ़ी से ऐसी बातें खुद ना शुरू कर देना अपने मुतल्लिक, मुझे अल्लाह ने बताया है इसलिए मैं फ़र्ज के तौर पर ऐलान कर रहा हूँ। फ़अम्मा बिनेमत रब्बे का फहद्दिस, ऐसी नेमत अता की है जिस पर साथ बयान करने का हुक्म दे दिया है, मैं मजबूर हूँ, तो हरगिज़ एक ज़र्रा भी फ़ख्र का पहलू मेरे इस ऐलान में शामिल नहीं है, लेकिन अम्र वाक़े की मजबूरी से मैं ऐसा करता हूँ। चुनाचे आपने एक जगह फरमाया कि खैरुकुम खैरुकुम ले अहले ही, तुम में सबसे आला सबसे अच्छा वो है जो अपने अहल वयाल से अच्छा हो, वाना खैरुकुम ले अहले ही, और मैं तुम में अपने अहल वयाल से सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। तो अपने आप को बेहतरीन करार दे दिया, तक अकरम करार दे दिया,
سب سے زیادہ متقی قرار دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سارے زمانوں کے لیے فرما چکا اور ظاہر کر چکا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اکرم ہیں، اور اس لیے کہ سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سوچنا کہ جی اللہ نے فرمایا کسی کو متقی قرار نہ دو، کیا نعوذ باللہ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو جائیں گے کہ نہیں، یہ نفس کے جاہلانہ توہمات ہیں، ان کا قرآن تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک اپنی ذات میں ایک واضح مضمون ہے کہ اپنی بڑائیاں نہ کرتے پھرو، یا لوگوں کو بزرگ نہ بناتے پھرو، اللہ پر چھوڑو، جس کو خدا نے عزت دینی ہوگی وہ خود اس کا تقویٰ ظاہر فرمائے گا اور خود اسے عزت عطا کرے گا۔ آگے انہی کا دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ایک دوستوں کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، وہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تو ان کے ساتھی کہنے لگے کہ یحییٰ وغیرہ بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے وقت میں عذاب نہیں آیا، مزید یہ کہا کہ یہ لا آف نیچر ہے جو اس میں بیان ہو رہا ہے، ایسا ہی جہاں اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہے وہاں پہ بھی عذاب نہیں آیا، تو عذاب آتے ہیں، یہ ان کی طرف سے نہیں، ویسے مراد یہی ہوگی ان کی، ٹھیک ہے، کہ جہاں اسلام کا پیغام نہیں بھی پہنچا وہاں بھی عذاب آتے ہیں، تو پھر حتیٰ نبعث رسولا والی دلیل کیسے قائم ہوگی، یہ ہو سکتی ہے مراد۔ اچھا آگے چلیں، اس بارے میں کہتے ہیں وضاحت فرما دیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری بات شاید یا سنی نہیں یا سمجھی نہیں، امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں جاری کرتا جس سے دنیا تہ بالا ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، وبائیں پھوٹتی ہیں، بیماریاں پڑتی ہیں، یہ ایک اور نظام ہے جو اپنے طور پر جاری و ساری ہے، اور یہ وہ نظام ہے جس سے زندگی حرکت میں آئی، اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری محرکات تھے، ذرائع تھے، وہ طاقتیں تھیں جن سے زندگی کو آگے بڑھنے کی ایک کا سلیقہ ملا، اس کی طلب پیدا ہوئی، اس کی مجبوری پیدا ہوئی۔ یہ وسیع مضمون میں اس وقت اس کو چھوڑتا ہوں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ ہر دنیاوی حادثہ، مرور زمانہ سے پیدا ہونے والے واقعات، یہ سارے گویا عذاب ہیں، اللہ عذاب کی بات کر رہا ہے، اور قانون قدرت کا اظہار عذاب الہی نہیں ہے۔ زلزلوں میں نیک بھی تو مارے جاتے ہیں، اور جب فاقے پڑتے ہیں تو قومیں ساری اس سے متاثر ہوتی ہیں، قوم کا ہر فرد متاثر ہوتا ہے، بیماریاں بزرگوں کی بھی ہوتی ہیں، نیک ادنا آدمیوں کو بھی ہوتی ہیں، تو اس کو آپ نے عذاب کیوں تسلیم کر لیا؟ یہ عذاب نہیں ہے، اور قرآن کریم عذاب کی بات کر رہا ہے۔ جب ہم کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب ایک قوم اتنی بدکردار ہو جائے کہ ہماری دوسری تقدیر جاری ہو جاتی ہے، اور ہم اس مذہبی تقدیر کے پیش نظر ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی توجہ واپس ہماری طرف لوٹے، ایسا کرنے سے پہلے ہم ضرور انہیں تنبیہ کرتے ہیں۔ جس طرح سڑکوں پر گڑھے کھودے ہوئے ہوں تو ہر مہذب حکومت کا کام ہے کہ مطلع کرے کہ آگے گڑھا آ رہا ہے، بچ کے چلو، کہیں کچھ خطرات ہوں، بدامنی ہو تو اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں رستوں پر نہ چلو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جو بغیر کسی وارننگ، بغیر کسی تنبیہ کے قوموں کو پکڑ لے؟ اس لیے یہ مراد ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے ضرور تنبیہ کا ایک نظام جاری کرتے ہیں، اور آخری پکڑ سے پہلے ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے ایک بھیجے ہوئے کے ذریعے۔ لیکن اس سے یہ مراد بھی نہیں لی جا سکتی کہ روزمرہ کی زندگی کے جرائم کے وبال میں سے ہر ایک پر اللہ متنبہ کرتا ہے۔ کچھ تنبیہات ہیں جو ساری دنیا میں مذاہب کے ذریعے جاری ہو چکی ہیں اور وہ معروف ہیں، ان میں سب مذاہب میں قدر مشترک ہے کہ جھوٹ نہ بولو، گندگی نہ کرو، ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق سلب نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو نہیں کہ ان میں سے ہر شخص جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا پائے تو وہ کہے کہ اللہ میں میری طرف تو نے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں بھیجا۔
वो तालीमात जो आम हो चुकी हों और क़ानून बन चुकी हों एक इंसानी तर्ज़ अमल में बहसीत कानून राइज हो चुकी हों, उनके ऊपर अलग मुतनब्बे करने वाला नहीं आया करता। लेकिन मुतनब्बे करने वाले उस वक्त आते हैं जब कोई कौम तबाही के गड़े पर पहुंच चुकी हो, और वो तबाही पर गड़े पर पहुंचना बाज़ दफ़ा जराइम की नौइयत के लिहाज से अज खुद जराइम के नतीजों के तौर पर ज़ाहिर होता है। मसलन एड्स की बीमारी फैल रही है, इससे पहले जिनसी बेरारवी के नतीजे में पैदा होने वाली जिनसी बीमारियाँ बहुत सी थीं, एक के बाद दूसरी आई है। अब वो एक तभी नतीजा है, कोई नहीं कह सकता कि यहाँ वार्नर नहीं भेजा खुदा ताला ने। तालीम आम हो चुकी है, अगर तुम उसकी तरफ नजर उसे नज़रअंदाज करोगे और जानते हो कि ये तमाम मज़ाहिब में मकरूह आते हैं, तो फिर तुम्हें उसकी सज़ा एक मिलती चली जाएगी। लेकिन जब ऐसे मकाम पर पहुँच जाए एक चीज़ कि किसी कौम की हलाकत का सवाल उठ जाए, किसी कौम की सफ़ लपेटी जाने वाली हो, तारीख़ में तब्दीली पैदा की जा रही हो, कौमों के उरूज और जवाल के मसाइल उठ खड़े हों, ये वो मौाक़े हैं जब खुदा ताला ज़रूर तंबीह करने वाला भेजता है। इस्लाम में जो ज़ाहरी तौर पर अमलन इस्लाम से रूह गर्दानी का इन्हितात शुरू हुआ है, एक लंबे अरसे से शुरू हुआ है, और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने में एक महदी तंबीह करने वाले का ज़िक्र फरमाया है। एक ईसा इब्न मरियम, मसीह इब्न मरियम तंबीह करने वाले का ज़िक्र फरमाया है। तो इस 1400 साल में क्या कोई अजाब नहीं आया? अजाब आते रहे हैं। जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया था तो एक बुज़ुर्ग को जब दुआ के लिए कहा गया तो उसने यही जवाब दिया कि मेरी दुआ आप क्या काम कर सकती है, सारी रात मैं दुआ करता रहा और मुझे इल्हाम होता रहा या अय्युहल कुफ्फारु उक्तुलुल फुजार, कि गोया खुदा मुझे समझा रहा है कि इस वक्त तो हम ये तकदीर जारी कर चुके हैं कि ए कुफ्फार इन बदकिरदार मुसलमानों को हलाक करो। अब जहाँ खुदा की ये सज़ाएँ चलती हैं वहाँ अलग अलग तंबीह करने वाले नहीं आते, मगर जब सारी कौम ऐसे इन्हितात में मुबतला हो जाए कि एक इनकलाबी तब्दीली का वक्त आ गया हो, उस वक्त ज़रूर खुदा की तरफ से एक आने वाला आता है। बस ये ख्याल जिस तरह उन्होंने पेश किया है, इसके पेश करने के अंदाज़ में गलती थी, इसीलिए इस पर एतराज़ पैदा हुआ है। अच्छा जी, अब वक्त ख़त्म हो गया, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है वक्त, पता ही नहीं लगता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, फिर खुदा हाफिज़, अल्लाह की इमानत में इंशाल्लाह कल फिर खिदमत हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।